आयुर्वेदिका की बारात बन गई साहिल की बात। साहिल वेदिका का शुभ विवाह। आखिरकार उम्र के फासलों की हार हुई और जीत गई साहिल और वेदिका की चाहत। लेकिन बार बार साहिल को मना करने वाली वेदिका आज साहिल की दुल्हन बनने को कैसे तैयार हो गई, आइए इन्हीं से जानते हैं। साहिल ने बहुत बार प्रपोज किया है और इस बार फाइनली वेदिका ने हाँ कह दी है, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। शादी ऑफ कोर्स उसको डिफरेंसेस है, 18 इयर्स का डिफरेंस है और साहिल के घर वाले भी शादी के अगेंस्ट है। वो खुद भी अब तक नहीं अपने मन को मना पा रही थी, तो अभी उसने जाके हाँ कहा है, तो देखते हैं कैसी होगी शादी। भाई साहिल की कोशिशें काम आई। आज भले ही दूल्हे राजा आपको टूटी फूटी हालत में दिखाई दे रहे हो, लेकिन हमारी दुल्हन वेदिका ने अपनी शादी के लिए अपने लुक पर खास ध्यान दिया है। हाँ, ब्लू इज अ वेरी अनयूजुअल कलर फॉर वेडिंग, बट शी हैज चोजन अ ब्लू एंड और ज्वेलरी है जो वेडिंग में सब पहनते हैं, सर पे, हाथ में बैंगल्स, गले का अच्छा लंबा सेट है, इयररिंग्स अच्छी है। वाह भाई वाह, अलबेली शादी में निराला श्रृंगार। लेकिन सीरियल की दुनिया में जब भी होती है कोई शादी तो ट्विस्ट भी मेहमान बनकर आता है वेदिका, उसका क्या इंतजाम है? अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है, क्योंकि वेदिका ऐसी तो है नहीं कि जो ऐसे ही हाँ बोल दे और फिर ट्विस्ट एंड टर्न्स लाए, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, तो देखते हैं। अभी तक तो सब ठीक ही है, आगे क्या होता है, शादी के वक्त फेरे लेते हैं नहीं लेते हैं वो पता नहीं। भाई हम भी तो यही चाहते हैं कि सब कुछ ठीक रहे। वैसे वो कहावत है ना, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हमें तो बस इस बात की चिंता है कि कहीं साहिल के साथ आपके इस अनोखे रिश्ते के साइड इफेक्ट्स आपको ना झेलने पड़े। बाकी सब ठीक है, वो तो जब होगा तब देखेंगे, अभी तो सिर्फ यही है कि शादी हो जाए। आज तक ब्यूरो।